किताबें लिखने का काम कर हर सप्ताह 2200 रुपए कमाने से ठगी करने वाली कंपनी के कार्यालय पर आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। ठगी कंपनी को लेकर जन अधिकार पार्टी के छात्र कार्यकर्ताओं के द्वारा शिवगंज मोड़ के समय सड़क जाम कर आगजनी किया गया। पीएम कंपनी आई थी जो छात्रों को झांसा दिया था कि आप घर पर बैठकर बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, आप महीना में 20 से 25 हजार रुपया कमाओगे। यह छात्र उसके गलत बहकावे में आए और सिक्योरिटी मनी के नाम पर 1000 रुपया से 1700 रुपया लिया। और कितने बच्चों ने यहाँ पैसा जमा किया? 3000 बच्चों ने मात्र 3 माह में। इस गलत जो चीट फंड कंपनी है इसमें अब नामांकन कराया और प्रशासन देखते रह गई। प्रशासन के नाक के नीचे यह चीट एंड कंपनी इस छात्रों को पैसा वसूल कर भाग गई। छात्र अपना बुद्धि विवेक पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? छात्र बुद्धि विवेक इस तरह का प्रलोभन जो बार बार सभी जगह यह चिपकाया जाता है और उसके बाद यह छात्र इसके झांसे में आ गए। आरा रेलवे स्टेशन जो नगर निगम का बोर्ड है उस पर भी लगाया गया है। क्या यह प्रशासन नहीं देखती है यह कौन कंपनी है, कौन इसको लगाने का परमिशन दिया? लेकिन सर सवाल यह है कि इसमें प्रशासन का भी मिली मगत है। उल्टे में प्रशासन कहती है तुम जल्दी भागो नहीं तो तुम पर केस कर देंगे, तुमको जेल ले जाएंगे और तुम देखेंगे। अभी क्या मांग करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं कि यह चीट एंड फंड जो कंपनी है उसको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और यह छात्रों की अवैध जो पैसा की वसूली है उसको जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो हम लोग आज इसी सड़क पर धरने पर बैठे रहेंगे। यह शांतिपूर्ण धरना होगा, यह गांधीवादी धरना होगा, यह हिंसक नहीं होगा। क्या नाम आपका? सुजीत कुशवाहा, जन अधिकार छात्र परिषद विश्वविद्यालय अध्यक्ष।